तो आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स के जीतने के बाद पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है और पंजाब किंग्स के जीतने से राजस्थान और आरसीबी की टीम को काफी बड़ा झटका लग चुका है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चार टीम आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी और कौन सी चार टीम प्लेऑफ के दौर से पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप आईपीएल के मैचों का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कॉन्टेक्ट करें, उनका सभी डिटेल्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसआरएच की टीम पहली ऐसी टीम बन चुकी है जो कि प्ले ऑफ से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। इसके बाद राजस्थान की टीम जो है वो पॉइंट टेबल में सीधे लुढ़ककड़ के सातवें स्थान पर आ चुकी है, क्योंकि दिल्ली की टीम ने राजस्थान को हरा दिया था और अब राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में सेवेंथ पोजीशन पर है और राजस्थान की टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे पांच में से चार मैच जीतने पड़ेंगे। तो राजस्थान के पास अभी भी चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाए। इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम को भी प्ले ऑफ में जाने के लिए पांच में से चार मैच जीतने पड़ेंगे और आज मुंबई की टीम बेंगलोर के साथ रात 7:30 बजे से मैच खेलेगी और अगर इस मैच में मुंबई की टीम हार जाती है तो ये टीम काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। इसके बाद पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब की टीम भले ही पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पर आ चुकी हो, लेकिन इस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे चार में से चारों मैच जीतने पड़ेंगे, जो कि काफी मुश्किल काम है। तो लगभग पंजाब के पास अभी भी काफी कम चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाए। इसके बाद कोलकाता के बारे में बात करें तो आज कोलकाता की टीम चेन्नई के साथ अपना मैच खेलेगी और कोलकाता की टीम फिलहाल पॉइंट टेबल में फोर्थ पोजीशन पर है और इस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए बाकी बचे पांच में से कम चार मैच जीतने पड़ेंगे, तभी कोलकाता प्ले ऑफ में जा पाएगी। और अगर कोलकाता की टीम आज का मैच चेन्नई से हार जाती है तो इस टीम को भी 100% मैच जीतना पड़ेगा। इसके बाद आरसीबी के बारे में बात करें तो इस टीम का परफॉर्मेंस सेकेंड फेज में काफी खराब है और अगर आज आरसीबी की टीम मुंबई इंडियंस से हारती है तो इस टीम का प्रदर्शन जो है वो काफी खराब तो होगा ही और साथ ही साथ ये टीम प्ले ऑफ की रेस से काफी ज्यादा दूर हो सकती है, क्योंकि उसके बाद आरसीबी की टीम को बाकी बचे चार में से तीन मैच जीतने पड़ेंगे। हालांकि आरसीबी की टीम के पास अभी भी काफी ज्यादा चांस है क्योंकि इस टीम को पांच में से सिर्फ तीन मैच जीतना है, तो आरसीबी की टीम के पास 95% चांस है कि ये टीम प्लेऑफ में चली जाए। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करें तो राजस्थान के हराने के बाद दिल्ली की टीम ऑफिशियली प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है और इस टीम का 16 पॉइंट हो चुका है। वहीं चेन्नई की टीम भी 14 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में सेकेंड पोजीशन पर है, तो ये टीम भी लगभग प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी चार टीम प्लेऑफ में जाएगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेडिक्शन के लिए टोनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।